नमस्कार दोस्तों, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको काले चने का कबाब बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। काले चने का कबाब बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। कबाब बनाने के लिए हमने सामग्री इस प्रकार ली है। भीगा हुआ चना लगभग 250 ग्राम, एक बड़े साइज का प्याज ऐसे मोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 15-20 कली लहसुन, 3-4 टुकड़ा अदरक, 8-10 हरी मिर्ची, एक नींबू, इसका हम रस निकाल लेंगे, एक कटोरी धनिया पत्ती, एक कटोरी भुना हुआ बेसन, अगर आपके पास बेसन न हो तो आप भुना हुआ चना लेकर इसका पाउडर बना सकते हैं। मसालों में हमने लिया है दो तीन टुकड़ा दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच शाह जीरा, 4 छोटी इलायची, थोड़ा सा दाल जावित्री, नमक और मस्टर्ड ऑयल और 8-10 काली मिर्च। अब हमने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसको गैस पर चढ़ा लिया है। अब हम उसमें 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। अब हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, लहसुन, हरी मिर्ची, अदरक, हम चने डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम सारे मसाले ऐड करेंगे, दालचीनी, जावित्री, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जीरा और काली मिर्च, शाह जीरा, लौंग, अगर आप चाहें तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे और सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला देंगे। और कुकर में ढक्कन लगाकर 3-4 सीटी तक पका लेंगे और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 4 सीटी लग चुका है, कुकर से गैस का प्रेशर भी निकल गया है। अब हम कुकर खोल कर देखते हैं। चने में थोड़ा सा पानी है, हम इसको मीडियम फ्लेम पर पानी सुखा लेंगे। इस पानी को छान कर बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो सारे मसाले का टेस्ट निकल जाएगा। इसको इसी चने के साथ ही सुखा लेंगे। चने से लगभग पानी सूख चुका है, अब हम इस चने को थाली में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। चने को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। हमारे चने अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसको एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें दरदरा पीस लेंगे, बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। हमने सभी चने को दरदरा पीस लिया है, अब हम इसमें कटा हुआ धनिया मिलाएंगे, आवश्यकता अनुसार भुना हुआ बेसन मिलाएंगे, 1 चम्मच नींबू का रस, सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लिया है, अब हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाकर कबाब बनाएंगे। इसी तरह से हम सभी कबाब बना लेंगे। हमने सारे कबाब बना लिए हैं, अब हम इसको तवे पर सेक लेंगे।
अब हम सबसे पहले तवे पर तेल थोड़ा लगाएंगे। तवे पर तेल अच्छी तरह से फैला लेंगे सभी तरफ। अब इसी पर एक एक कबाब इसी तरह रखते जाएंगे। और अपने गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। हमारा कबाब एक साइड से पक चुका है, अब हम इसको पलट कर दूसरे साइड भी पका लेंगे। हमारा कबाब दोनों साइड से अच्छी तरह से पक चुका है, आप देख सकते हैं इधर से भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम कबाब को गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से काले चने का कबाब बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारा ये रेसिपी पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गर्मा गर्म कबाब रोटी या पराठे के साथ एंजॉय करिए।